पीछे भक्तों की मंडली आप देख रहे हैं, ये भक्तों की मंडली प्रभात फेरी के लिए निकली है। प्रभात फेरी जो कि सुबह सुबह 5 बजे से शुरू होती है और इस दौरान ये मंडली तमाम गलियों में घूमती है और उसके बाद चक्कर काट के मंदिर ही पहुंचती है। और जिस घर में गोपाल जी बुलाए जाते हैं उस घर में ये मंडली पहुंचती है, वहाँ भजन कीर्तन किया जाता है। प्रभात फेरी का मकसद यही होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में तमाम व्यक्ति उठेंगे और उस संस्कृति का पालन करेंगे जो काफी लंबे समय से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा है बल्कि उस भक्ति के लिए अच्छा है, हमारे सनातन धर्म को आगे पहुंचाने के लिए अच्छा है। तो अब ये मंडली किस तरीके से मंदिर की तरफ पहुंचेगी और इस दौरान क्या कुछ होगा, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही वो गीत भी आपको सुनवाएंगे किस तरीके से ये भगवान को याद करती हैं। जय श्री कृष्णा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर कार्तिक मास के आखिरी दिन चल रहे हैं और जो आखिरी 5 दिन होते हैं उस दौरान प्रभात फेरी होती है। प्रभात फेरी तमाम महिलाएं जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं ये करती हैं। और इस दौरान एक प्रथा ये भी होती है कि प्रभात फेरी के दौरान कोई व्यक्ति अगर अपने घर पे गोपाल जी बुलाते हैं तो ये भजन कीर्तन के साथ गोपाल जी लेकर उस घर में पहुंचती है। लेकिन अब ये परंपरा कब से शुरू हुई है और ये गोपाल जी क्योंकि मंदिर के होते हैं गोपाल जी? हाँ जी, मंदिर के होते हैं गोपाल जी। तो ये जो परंपरा है गोपाल जी को घर पर लेकर आना और इस तरीके से गीत गाना कीर्तन करना, ये प्रथा कब से शुरू हुई? जब से गोपियाँ अपने घर बुलाती थी कान्हा जी लड्डू गोपाल को, उन्हें माखन खिलाती थी बरसाने में गोकुल में, यहीं से प्रथा चली आ रही है ये। तो ये प्रथा देखिए अपने आप में बहुत अद्भुत है क्योंकि तमाम और महिलाएं हैं। सुबह उठना, क्योंकि आज के इस जमाने में सुबह उठना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उस भक्ति के लिए उठना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और ये भगवान जी अपने आप ही उठा देते हैं। तो ये सिर्फ कार्तिक मास के दौरान? हाँ जी, कार्तिक मास के दौरान। तो ये क्या महत्वता है कार्तिक मास की? कार्तिक मास की अपने आप में बहुत बड़ी मानता है, ये अंदर से फीलिंग आती है अपने आप में ही है। तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। ये इस जमाने में क्योंकि ये कलयुग का जमाना है जहाँ पर अक्सर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, लेकिन यहाँ 4 बजे उठने के बाद दर्शन कीर्तन किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से शुरू होते हैं और प्रभात फेरी की जाती है, इसका मकसद? अपने टाइम से पाठ पूजा करो, भगवान की प्रार्थना करो, बस यही है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि भाई आप उठो और इस तरीके से हमारी जो संस्कृति परंपरा जो शुरुआत से चलती आ रही है उसी परंपरा को अपनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि हाँ, सुबह 4 बजे उठ के ना हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, हम अपना आलस छोड़ते हैं, अपना आप ही भगवान की ओर है ना भक्ति होती रहती है, पूजा पाठ मन लगता है पूजा पाठ में काफी। तो ये कार्तिक मास से ही शुरू होता है या फिर हमेशा ही रहता है? नहीं, कार्तिक के महीने में ही होता है, और जो कार्तिक के महीने में रौनक होती है ना वो कभी और होती ही नहीं है, अपना आप ही मन करता है सुबह उठे पूजा पाठ करे ये सब करे, सब इकट्ठे होते हैं, इतना अच्छा लगता है अपने आप में, बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक का महीना जो है भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, तो इसलिए कार्तिक के महीने फेरी होती, प्रभात फेरी होती है, सुबह 4 बजे हम लोग उठते हैं अपने आप ही, मतलब वैसे तो हम उठ भी नहीं पाते थे जल्दी, लेकिन इस महीने अपने आप ही आँख खुल जाती है, बहुत अच्छा लगता है उठने में भी, नहा धो के आ जाते हैं, 5 बजे तक मंदिर आ जाते हैं, 5 बजे से प्रभात फेरी शुरू हो जाती है। तो इससे और भगवान कान्हा जी जहाँ भी जाते हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए
जो भी अपने घर पे बुलाते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए कान्हा जी साथ में जाते हैं। जो हम उठते हैं सुबह, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं सबको, सब लोगों को, कि सबको ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ के अपने सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और कीर्तन भजन करके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जयकारा भी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, जयकारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बार जयकारा हो जाए। बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे इस दौरान, क्योंकि जब प्रभात फेरी होती है, गोपाल जी बुलाए जाते हैं, तो कितने भजन गाए जाते हैं?
पाँच पाँच तो गाए जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से जो भजन है वो गाए जा रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गाया जा रहा है। तो ये किस तरीके का जो मैसेज है वो पहुंचाया जाता है, और आपको सुबह उठ के इस तरीके से भक्ति भाव में लीन होना कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आते हैं हमें इन्हीं दिनों में, कार्तिक के महीने में हमें इतना आनंद आता है, बहुत ज्यादा आता है। और कोई महीना नहीं होता है कार्तिक के महीने में, अपने आप ही भगवान हमें उठाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, बल देते हैं। बहुत अद्भुत नजारा है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो ये महिलाएं हैं कीर्तन करते हुए तमाम गलियों में घूमती है भगवान श्री कृष्ण के भजन के साथ, ये जो है वो भगवान को याद करती हैं। बहरहाल देखिए, हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, वो तस्वीरें किस तरीके से ये जो महिलाएं हैं वो प्रभात फेरी करती हैं। बहरहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए रितम। जय हिंद, राधे कृष्णा।